जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल विद्युत अभियांत्रिकी में। और आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो है वेस्टर्न टाइप, या फिर हम उसे ये भी कह सकते हैं इलेक्ट्रोडायनामिक टाइप सिंक्रोनोस्कोप। और पिछले वीडियोस में हम सिंक्रोनोस्कोप क्या होता है, कितने टाइप का होता है, इसके बारे में बात कर चुके हैं। उसी का एक टाइप है आपका इलेक्ट्रोडायनामिक और वेस्टर्न टाइप सिंक्रोनोस्कोप। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। वेस्टर्न टाइप सिंक्रोनोस्कोप, जिसको हम दूसरे नाम से ये भी जानते हैं इलेक्ट्रोडायनामिक सिंक्रोनोस्कोप, ये डायनामोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है। डायनामोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं इसके बारे में आपको पहले से पता होगा। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है तो मैं इसका अभी अलग से एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। फिलहाल हम बात करते हैं वेस्टर्न सिंक्रोनोस्कोप की। तो वेस्टर्न सिंक्रोनोस्कोप को समझने से पहले सबसे पहले हमें इसके सर्किट डायग्राम को समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप इसका सर्किट डायग्राम को देख लीजिए। जैसा कि आपको इस सर्किट डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा कि इसमें दो सेक्शन हैं। एक सेक्शन में आपका ट्रांसफार्मर है और दूसरे सेक्शन में आपके फिक्स कॉइल है, मूविंग कॉइल है और पॉइंटर लगा हुआ है। इसमें जो थ्री लिम ट्रांसफार्मर है फर्स्ट सेक्शन में, उसकी सेंट्रल लिम में वाइंडिंग की हुई है और इस वाइंडिंग को लैंप के साथ कनेक्ट किया हुआ है। इस ट्रांसफार्मर की दो आउटर लिम्स भी हैं, जिसमें से राइट हैंड साइड वाली जो लिम है उसके साथ इनकमिंग मशीन के साथ कनेक्ट किया हुआ है। ये इनकमिंग मशीन आपका अल्टरनेटर है और इस अल्टरनेटर के किसी भी दो फेज को हम इस राइट हैंड साइड वाले लिंब के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी यहां पर इसके बी फेज को और वाई फेज को कनेक्ट किया हुआ है। जो दूसरी आउटर लिंब है लेफ्ट साइड में, उसको कनेक्ट किया हुआ है इनफाइनाइट बस बार के साथ। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जिस फेज सिक्वेंस के साथ राइट हैंड साइड वाली लिंब को कनेक्ट किया गया था, इनफाइनाइट बस बार को भी उसी फेज सीक्वेंस में कनेक्ट करना होगा। अब इस दोनों आउटर लिंब का जो फ्लक्स इसमें जो प्रोड्यूस होगा, ये जो फ्लक्स होगा ये आपका सेंट्रल लिंब में भी आपका ये फ्लक्स इस पाथ को फॉलो करेगा। ये जो पाथ है सेंट्रल लिंब का पाथ है, ये दोनों फ्लक्स का एडिटिव फ्लक्स को प्रोड्यूस करेगा, यानी कि यहाँ पे आपका एक रिजल्टेंट फ्लक्स मिलेगा। ये जो रिजल्टेंट फ्लक्स होगा ये दोनों फ्लक्स का एडिटिव होगा। दोनों फ्लक्स कौन कौन से, एक इन्फाइनाइट बस बार के थ्रू जो प्रोड्यूस हो रहा है फ्लक्स, और एक जो आपका इनकमिंग अल्टरनेटर की वजह से जो फ्लक्स आपका प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये जो एडिटिव फ्लक्स है आपका सेंट्रल लिंब में प्रोड्यूस होगा, सेंट्रल लिंब में प्रोड्यूस होगा, और इस फ्लक्स की वजह से इस सेंट्रल लिंब में एक EMF इंड्यूस होगा, जो कि E = -NdΦ/dt के रिलेशन से निकाला जा सकता है। ये जो आपका रिजल्टेंट फ्लक्स होगा ये EMF इंड्यूस होने के बाद इस लैंप को ग्लो करेगा। ये लैंप कितना ग्लो करता है ये डिपेंड करता है इस रिजल्टेंट फ्लक्स की स्ट्रेंथ के ऊपर। जो अब हम इसके वर्किंग के बारे में बात करेंगे, और इसकी वर्किंग को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये मानना पड़ेगा कि ट्रांसफार्मर मान लीजिए किसी सर्टेन कंडीशन में कोई फेज डिफरेंस नहीं है, इसका कोई फेज एंगल डिफरेंस नहीं है। अभी फेज एंगल डिफरेंस किसकी बात कर रहा हूं मैं, जो इनकमिंग मशीन का जो फेज एंगल डिफरेंस है और इनफाइनाइट बस बार का जो फेज एंगल है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। मतलब कि इनकमिंग अल्टरनेटर और इनफाइनाइट बस बार के फेज एंगल में कोई डिफरेंस नहीं है। तो इस वक्त जो सेंट्रल लिम्ब में रिजल्टेंट फ्लक्स होगा वो मैक्सिमम होगा, और ये जो लैंप है वो इस टाइम मैक्सिमम ब्राइटनेस देगा। अब हम सेकंड केस को भी देख लेते हैं। अगर इन्फाइनाइट बस बार को अल्टरनेटर में 180 डिग्री फेज डिफरेंस रहता है, अगर इन्फाइनाइट बस बार का अल्टरनेटर के साथ 180 डिग्री का फेज डिफरेंस रहता है, या फिर ये कह सकते हैं कि ये आउट ऑफ फेज रहते हैं, तो ये लैंप ग्लो नहीं करेगा। लेकिन किसी इंटरमीडिएट फेज डिफरेंस की कंडीशन में ये अरेंजमेंट आ जाता है। अरेंजमेंट कौन सा, ये आपका इनकमिंग अल्टरनेटर और इनफाइनाइट बस बार को जो हम सिंक्रोनाइज कर रहे हैं, इस अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं। अगर ये किसी इंटरमीडिएट फेज डिफरेंस की कंडीशन में आ जाता है तो लैंप जो है वो थोड़ा बहुत ब्राइटनेस के साथ ग्लो होगा। लेकिन अगर अल्टरनेटर और बस बार के फ्रिक्वेंसी डिफरेंस है उसमें, तो लैंप फ्लिकरिंग करने लग जाएगा। फ्लिकरिंग मतलब कि लप झप करके देखते होंगे आप, वो फ्लिकरिंग उसमें वो करने लग जाएगा। ये लैंप उतनी ही स्पीड से फ्लिकरिंग करेगा, मतलब कि उतनी ही स्पीड से ग्लो करेगा और डार्क होगा जितनी की
दोनों की फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस होगा। दोनों की फ्रीक्वेंसी किसकी, एक इन्फिनाइट बस बार की फ्रीक्वेंसी और आपके इनकमिंग अल्टरनेटर की फ्रीक्वेंसी। लेकिन ये कंडीशन सिंक्रोनाइजेशन के लिए परफेक्ट नहीं होती, ये जो फ्लिकरिंग कंडीशन है ये सिंक्रोनाइजेशन के लिए परफेक्ट नहीं होती है। ये सिंक्रोनाइजेशन को करने के लिए लैंप की फ्लिकरिंग की जो स्पीड है वो बहुत कम होनी चाहिए, बहुत ही स्लो होनी चाहिए, और जो लैंप है वो ही आपका फुली ग्लो करना चाहिए। तो लैंप की फ्लिकरिंग को कम करने के लिए हम जनरेटर की स्पीड को कम या ज्यादा करते हैं। जनरेटर की स्पीड को कम या ज्यादा करने से मतलब ये है कि हम जनरेटर की फ्रिक्वेंसी को एडजस्ट करते हैं। जनरेटर की हम यहाँ पे जनरेटर की फ्रिक्वेंसी को ही एडजस्ट कर सकते हैं, इन्फाइनाइट बस बार की फ्रिक्वेंसी को एडजस्ट नहीं करते हैं। क्योंकि आपको पता है, मैं जैसे पिछले वीडियो में बताया था, इन्फाइनाइट बस बार जो है उसकी फ्रिक्वेंसी कॉन्स्टेंट रहती है। लेकिन हमें अब किसकी फ्रिक्वेंसी को एडजस्ट करना है, सिंक्रोनाइज करने के लिए हमें करना है अल्टरनेटर की फ्रिक्वेंसी को, अल्टरनेटर की फ्रिक्वेंसी को एडजस्ट करना है, जो कि हम इसकी स्पीड को कम या ज्यादा करके कर सकते हैं। लेकिन ये जो वेस्टर्न सिंक्रोस्कोप है इसका यही ड्रॉबैक है कि अल्टरनेटर की फ्रिक्वेंसी ज्यादा है या कम है इसका पता हमें नहीं लगाया जा सकता। इसीलिए हम क्या करते हैं, इसमें एक इलेक्ट्रोडायनामिक अरेंजमेंट लगाते हैं या इलेक्ट्रोडायनामिक इंस्ट्रूमेंट लगाया जाता है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इसमें दो सेक्शन है, इस इमेज में आपको दो सेक्शन दिख रहे होंगे, जैसे कि पहला वाला सेक्शन और नीचे वाला सेक्शन, जो कि मैंने पहले भी बता चुका हूं आपको। जो पहला सेक्शन था वो थ्रिलियम ट्रांसफार्मर का था, और जो सेकंड सेक्शन है वो है आपका फिक्स कॉइल, मूविंग कॉइल और पॉइंटर के साथ, जिसमें कि आपके फिक्स कॉइल के साथ इंडक्टेंस सीरीज में कनेक्ट है और रेजिस्टेंस भी सीरीज में कनेक्ट है, और मूविंग कॉइल के साथ आपका कैपेसिटर सीरीज में कनेक्ट है। अभी हम मैं यहाँ पे बात करने वाला था कि इस वेस्टर्न टाइप सिंक्रोनोस्कोप का जो ड्रॉबैक है वो यही है कि जो आपका जनरेटर की फ्रिक्वेंसी है वो ज्यादा है या कम है, मतलब कि जनरेटर की जो स्पीड है वो ज्यादा है या कम है, क्योंकि हमारा जो लैंप है वो फ्लिकरिंग कर रहा है इस वक्त, बहुत ज्यादा फ्लिकरिंग कर रहा है। तो हम उसकी स्पीड को कितना एडजस्ट करना है, कम करना है ज्यादा करना है, इसका पता नहीं लगा सकते हैं। तो इसमें ये मॉडिफिकेशन किया गया है, इसका जो नेक्स्ट सेक्शन है, इसी नेक्स्ट सेक्शन में जो कि मैं बता रहा हूं आपको, फिक्स कॉइल लगी हुई है और मूविंग कॉइल की लगी हुई है। ये फिक्स कॉइल को आपके दो सेक्शन में डिवाइड किया हुआ है। ये जो दो सेक्शन में आपकी फिक्स कॉइल डिवाइड की हुई है, इस फिक्स कॉइल को आपके इनकमिंग अल्टरनेटर के साथ कनेक्ट किया जाता है, और इसका उन्हीं फेज के साथ कनेक्ट किया जाता है जैसा कि आपके थ्री लिंब ट्रांसफार्मर का जो फेज कनेक्ट किए गए थे। इसी तरीके से इसकी जो मूविंग कॉइल है उसको इन्फाइनाइट बस बार के साथ कनेक्ट किया जाता है, उसी फेज के साथ जैसा कि आपके इनफाइनाइट बस बार को थ्री लिंब के साथ पहले कनेक्ट किया हुआ है, जिस फेज सीक्वेंस के साथ। तो यहां पे आपको यहां पे देख रहे होंगे जो फिक्स कॉइल है, इस फिक्स कॉइल के साथ एक इंडक्टेंस भी लगाया हुआ है सीरीज में, और एक रेजिस्टेंस भी लगाया हुआ है सीरीज में। इसी तरीके से मूविंग कॉइल में एक कैपेसिटर को सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है, इस मूविंग कॉइल के साथ एक पॉइंटर को अटैच किया हुआ है, और ये पॉइंटर के ऊपर एक स्केल बना हुआ है स्लो एंड फास्ट का। यानी कि अगर आपका पॉइंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, इसका मतलब कि आपके जनरेटर की जो स्पीड है फास्ट है। अब आपको दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि फिक्स कॉइल के साथ एक सीरीज में इंडक्टर कनेक्ट किया हुआ है और मूविंग कॉइल के साथ एक कैपेसिटर को कनेक्ट किया हुआ है सीरीज में ही, ये किस लिए कनेक्ट किए गए हैं? जैसा कि मान लीजिए कि आपका इनकमिंग अल्टरनेटर और इन्फाइनाइट बस बार का जो फेज एंगल डिफरेंस है, जो इनका जो फेज एंगल डिफरेंस है वो सेम है। जब इन दोनों का फेज एंगल डिफरेंस सेम होगा तो फिक्स कॉइल में फ्लो होने वाला करंट और मूविंग कॉइल में फ्लो होने वाला करंट है, ये दोनों क्वाड्रेचर में होंगे, क्योंकि मूविंग कॉइल में के कैपेसिटर में जो है आपका करंट वो आउट ऑफ फेज होता है, यानी कि वोल्टेज से करंट आपका लीड करता है 90 डिग्री के एंगल पे। और इंडक्टर की प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो आपका वोल्टेज से करंट है वो लेग करता है 90 डिग्री पे। लेकिन अगर इनकमिंग अल्टरनेटर और इन्फाइनाइट बस बार का जो फेज एंगल डिफरेंस है वो आपका सेम हो जाता है, तो इन दोनों में जो करंट फ्लो हो रहा है वो दोनों में करंट जो फ्लो हो रहा है वो क्वाड्रेचर में रहेगा। क्वाड्रेचर में रहेगा तो फिक्स कॉइल और मूविंग कॉइल के बीच में
कोई डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा। जब डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा तो जो पॉइंटर है वो आपका मूव नहीं करेगा और वो स्टेबल कंडीशन में आ जाएगा। यही आपकी सिंक्रोनाइजेशन की आइडियल कंडीशन होती है। लेकिन जो प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो सिंक्रोनाइजेशन की कोई भी आइडियल कंडीशन नहीं होती है, उसमें हल्का सा ऑस्किलेशन आपके हमेशा मौजूद रहते हैं। लेकिन फिर भी जहां तक हो सकता है जो आपका सेंट्रल लिंब के साथ जो लैंप कनेक्ट है उसमें फ्लिकरिंग एक्शन कम होना चाहिए। अगर फेज सीक्वेंस सेम हो गया, टर्मिनल वोल्टेज सेम हो गया और फेज एंगल डिफरेंस आपका ये भी सेम हो गया तो आपका आइडल सिंक्रोनाइजेशन कंडीशन आ जाती है। इस टाइम पे सिंक्रोनाइज स्विच को ऑन कर दिया जाता है और इनकमिंग अल्टरनेटर को बस बार के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है। तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि वेस्टर्न टाइप जो सिंक्रोनोस्कोप है या फिर जिसे हम दूसरे नाम से बोलते हैं इलेक्ट्रोडायनामिक सिंक्रोनोस्कोप, ये क्या होता है, इसका कंस्ट्रक्शन समझ में आ गया होगा, इसकी वर्किंग समझ में आ गई होगी, इसके क्या ड्रॉबैक हैं और इसको कैसे मॉडिफाई किया गया है उन ड्रॉबैक को एलिमिनेट करने के लिए, वो भी मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी होती है या फिर आपको कोई डाउट होता है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होने आने वाला है वो सिंक्रोनोस्कोप का ही होगा, लेकिन वो मूविंग आयरन टाइप आपका सिंक्रोनोस्कोप होगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और समझ में भी आया होगा। तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड स्टे ट्यून्ड विद विद्युत अभियांत्रिकी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।